फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स। थ्योरी ऑफ मशीन्स में हमारे पास जो टॉपिक है वो है डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म। इसमें आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म के बारे में। डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म क्या होता है? अ काइनेमेटिक चेन विच कंसिस्ट ऑफ टू टर्निंग पेयर एंड टू स्लाइडिंग पेयर इज नोन एज अ डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर मैकेनिज्म को हम उसको समझेंगे, वो काइनेमेटिक चेन होती है जिसमें दो टर्निंग पेयर होते हैं और दो स्लाइडिंग पेयर होते हैं। फोर बार मैकेनिज्म ही कोई मॉडिफाई करके डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, दो जो पेयर होते हैं उसको टर्निंग पेयर लगाए जाते हैं और दो स्लाइडिंग पेयर होते हैं, उसको हम डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म बोलते हैं। जिसमें दो स्लाइडिंग पेयर और दो टर्निंग पेयर होते हैं उसको हम डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म के इन्वर्जन कौन कौन से है, इसके आधार पर कौन कौन सी चीजें काम करती हैं। जैसे कि एक फर्स्ट है एलिप्टिकल ट्रेमल। एलिप्टिकल ट्रेमल जो होता है, एलिप्टिकल ट्रेमल डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म पे काम करता है। स्कॉच यॉक मैकेनिज्म, एक स्कॉच यॉक मैकेनिज्म जो होता है वो डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म पे काम करता है। ओल्डहेम कपलिंग, ओल्डहेम कपलिंग भी हमारे पास डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म के आधार पे काम करता है। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन में हमारे पास इसमें है इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म। इसका तीन है, एक एलिप्टिकल ट्रेमल, दूसरा स्कॉच यॉक मैकेनिज्म, तीसरा ओल्डहेम कपलिंग। तो इनको हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ में। सबसे पहले हम जानेंगे एलिप्टिकल ट्रेमल। एलिप्टिकल ट्रेमल क्या होता है, एलिप्टिकल ट्रेमल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एलिप्टिकल ट्रेमल एक इस टाइप का मैकेनिज्म होता है जिसको हम आर्किमिडीज ट्रेमल के नाम से भी जानते हैं। ये एलिप्स को ड्रा करता है, अलग अलग साइज के अगर एलिप्स बनाना है तो एलिप्स को ड्रा करने के लिए हम एलिप्टिकल ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास डबल स्लाइडर जो होते हैं, डबल स्लाइडर क्रैंकशन मैकेनिज्म कहलाता है इसको। इसमें दो स्लाइडिंग पेयर होते हैं और दो टर्निंग पेयर होता है। इसमें भी फोर बार मैकेनिज्म होता है, चार बार होते हैं। इसमें हमारे पास दो स्लाइडिंग पेयर होते हैं और दो टर्निंग पेयर होते हैं। लिंक थ्री जो होता है, लिंक थ्री इसमें रॉड अटैच की जाती है जिसमें हम कोई पेंसिल या कोई रोटर को हम इसमें अटैच करते हैं। अटैच करके उसके द्वारा एलिप्स को ड्रा किया जाता है। तो जब हमको कोई बड़ी साइज का या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज का अगर एलिप्स तैयार करना है तो एलिप्स तैयार करने के लिए पैराबोला जो होता है, पैराबोला को तैयार करने के लिए हम इसको एलिप्टिकल ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ एन एलिप्टिकल ट्रेमल आल्सो नोन एज ट्रेमल ऑफ आर्किमिडीज ट्रेमल, इसको हम आर्किमिडीज ट्रेमल के नाम से जानते हैं, इज यूज टू ड्रा द एलिप्स ऑफ वेरियस साइजेस। अलग अलग साइज के एलिप्स हमको ड्रा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज एन इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रेंशन इन विच देयर आर टू स्लाइडिंग पेयर एंड टू टर्निंग पेयर। इसके अंदर जो होता है दो स्लाइडिंग पेयर होते हैं और दो टर्निंग पेयर होते हैं। लिंक थ्री इज अ रॉड टू विच द पेंसिल आर रूटर इन इज अटैच्ड टू ड्रा एलिप्स। इसमें क्या कहते हैं, लिंक थ्री होती है, लिंक थ्री में एक रॉड की तरह होती है जिसमें हम पेंसिल या रूटर का इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा हम एलिप्स को ड्रा करते हैं। ये होता है एलिप्टिकल ट्रेमल। इसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे हम, इसको हम डायग्राम के द्वारा समझे तो ये इसका डायग्राम है, एलिप्टिकल ट्रेमल का डायग्राम है। एलिप्टिकल ट्रेमल में क्या होता है, हमारे पास इस टाइप से चार लिंक इस टाइप से लगी होती हैं। ये होता हमको बनाया जाता है, इसमें क्या होता है चार लिंक होती हैं। आप इसको लिंक को अगर समझें तो लिंक में हमारे पास जो इस टाइप का हिस्सा होता है उसको हम लिंक वन के नाम से जानते हैं। ये जो होता है लिंक टू होता है स्लाइडर फर्स्ट वाला, रॉड होता है लिंक थ्री, और ये वाला स्लाइडर सेकेंड वाला स्लाइडर लिंक फोर। तो चार लिंक है मतलब फोर बार मैकेनिज्म ही है। फोर बार मैकेनिज्म में हमारे पास चार लिंक है, लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री, लिंक फोर, चार लिंक है। इसमें आप देख रहे होंगे दो स्लाइडिंग पेयर दे हुए हैं, ये स्लाइडिंग पेयर है, ये स्लाइडिंग पेयर है, और दो टर्निंग पेयर, एक इस पर टर्निंग होता है और एक ये वाला टर्निंग करता है। तो दो टर्निंग पेयर होते हैं, तो दो स्लाइडिंग पेयर और दो टर्निंग पेयर लगाए जाते हैं। इसमें काम कैसे करता है, काम इस टाइप से करता है कि ये जो होता है ये स्लाइड करता है, ये आपके पास इस टाइप से और इस टाइप से स्लाइड करेगा, ये भी हमारे पास इस टाइप से और इस टाइप से स्लाइड करेगा। तो स्लाइडर होता है, स्लाइडर क्या करेगा, इस रॉड पर जब फोर्स पड़ेगा तो स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा और इस पर क्या होगा रोटेट करेगा, जिसके द्वारा वो एलिप्स तैयार होता है। कैसे, आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के द्वारा एलिप्स किया जाता है। अगर हम इसको देखा जाए, इस डायग्राम को, इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में हमारे पास ये जो होता है स्लाइडिंग के काम करता है और ये क्या करता है पूरा इस टाइप से रोटेट करता है, रोटेट कर करके एलिप्स को बनाता है। इसमें हम अगर पेंसिल को ड्रा कर देते हैं, इसमें अगर पेंसिल को ड्रा करते हैं तो पेंसिल ड्रा करने के बाद ये क्या होता है एलिप्स बना देता है। एलिप्स को ड्रा करने के लिए हम इसका इलेप्टिकल ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। ये कहलाता है एलिप्टिकल ट्रेमल। इस टाइप से इसको डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो है
वो है स्कॉच योक मैकेनिज्म। इसमें हम स्कॉच योक मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कॉच योक मैकेनिज्म क्या होता है? स्कॉच योक मैकेनिज्म एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन मशीन है, जो मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, लीनियर मोशन को कन्वर्ट करके रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है। मतलब जो स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग के द्वारा ये रोटेशनल मोशन में बढ़ता है, घूर्णन गति में परिवर्तन करता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका मोशन जो होता है वो आपको ऊपर में डिपेंड होता है। तो इसमें तो गुरुत्वाकर्षण की जगह पर ये लंबवत होता है एक दूसरे के। तो क्या है, इसमें आपको लिखा हुआ है स्कॉच योक के बारे में, द स्कॉच योक मैकेनिज्म इज अ रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म। ये जो होता है स्कॉच योक मैकेनिज्म, ये रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म कहलाता है, और ये कन्वर्ट करता है लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन में। जो स्लाइडिंग होता है वो लीनियर मोशन कहलाता है, और रोटेशनल मतलब जो घूर्णन करता है उसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो ये लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है, और इसमें क्या होता है, जो क्रैंक होता है, क्रैंक में ये रोटेट करेगा, लीनियर मोशन आएगा, इसके द्वारा ये काम करता है स्कॉच। इसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है हमारे पास स्कॉच योक का। स्कॉच योक का डायग्राम अगर देखा जाए तो ये इस टाइप का डायग्राम है। इसमें क्या है, ये स्लाइडिंग पेयर लगा हुआ स्लाइड करता है, और ये क्रेंक के द्वारा क्या करता है, रोटेट करता है। इसमें क्या काम करता है कि हमारे पास जो इसमें अगर हम देखा जाए तो ये लिंक वन है जो कि फ्रेम, लिंक टू है क्रेंक, लिंक थ्री है स्लाइडर, और लिंक फोर कहलाएगा ये वाला फ्रेम। तो हमारे पास फोर लिंक है, चार लिंक है, चार लिंक में हमारे पास ये फोर बार में कह रहे हैं, एक लिंक फोर है ये वाली, लिंक वन ये वाली है, लिंक टू ये वाली है, क्रेंक कहलाएगी, लिंक थ्री स्लाइडर कहलाएगी। तो अगर हम इस तरीके समझें तो फ्रेम जो होता है उसको लिंक फोर के नाम से जानेंगे, और जो जो पिवॉट होता है पिवॉट को हम लिंक वन के नाम से जानेंगे। पिवॉट का मतलब होता है जहां पर वो अटैच होता है। क्रैंक जो होता है उसको लिंक टू के नाम से जानेंगे, और स्लाइडर जो होता है, स्लाइड मतलब जो स्लाइड कर रहा है वो होता है, उसको हम लिंक थ्री के नाम से जानेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे पास जब ये स्लाइड करता है, पिस्टन जब स्लाइड करता है तो ये स्लाइड करेगा, स्लाइड करने के बाद क्या करेगा, ये क्रैंक को रोटेट करेगा। तो क्या होता है, ये रेसिप्रोकेटिंग से लीनियर मोशन, लीनियर मोशन से रेखीय होता है, वेग होगा लीनियर मोशन से, ये रोटरी मोशन मोटर मोशन में कन्वर्ट करता है। इसको हम बोलते हैं स्कॉच योक। इसको डायग्राम, इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये भी इसका डायग्राम है स्कॉच योक का प्रैक्टिकल डायग्राम। ये हमारे पास पिवॉट है, इसमें फ्रेम है, फ्रेम में ये फिक्स्ड लिंक लगी हुई है, यहाँ पर एक क्रैंक है, और ये स्लाइडर है, और यहाँ पर ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये स्लाइडिंग योक होता है। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा हमारे पास जब ये कनेक्टिंग रॉड पर हमारे पास जब ये स्लाइड करता है, तो स्लाइड करने पर क्या होता है, क्रैंक को रोटेट करेगा। तो क्या करेगा, ये लीनियर मोशन से, ऐसे इस टाइप से, ये लीनियर मोशन से, ये लीनियर मोशन होता है, इसके द्वारा क्रैंक को ये रोटेट रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, लीनियर मोशन से रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। इसको ये हम स्कॉच योक मैकेनिज्म बोलते हैं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे ओल्डहेम कपलिंग। ओल्डहेम कपलिंग क्या होता है, ओल्डहेम कपलिंग वो होता है जिसमें हम दो पैरेलल शाफ्ट को आपस में अटैच करते हैं, उसके द्वारा की के द्वारा उसको लॉक करते हैं, लॉक करके उसको हम फ्लेंज कपलिंग के द्वारा उसको हम रोटेट करते हैं। कंटिन्यू जब काम करेंगे, रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसका हम काम करते हैं ओल्डहेम कपलिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट होती है, पैरेलल शाफ्ट को आपस में अटैच करते हैं एक दूसरे के द्वारा, अटैच करने पर उसको की के द्वारा लॉक कर देते हैं। लॉक करने पर जब उसको रोटरी मोशन के द्वारा घुमाते हैं उसमें, तो घुमाने के बाद रोटेट करता है, और कंटिन्यू रोटेट करने के बाद वो आपस में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसका काम हम बाकी काम में कर सकते हैं, उसको हम ओल्डहेम कपलिंग बोलते हैं। इसमें लिखा है, इट इज यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट व्हिच एक्सेस आर एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। इसमें दो पैरेलल शाफ्ट को आपस में अटैच किया जाता है, टू फ्लेंज ईच हैविंग अ रेक्टेंगुलर स्लॉट आर कीड वन ऑन ईच शाफ्ट। प्रत्येक शाफ्ट को की के द्वारा लॉक कर देते हैं हम लोग, उसके बाद टू फ्लेंजेस आर पोजिशनड सच दैट द स्लॉट इज वन इज एट राइट एंगल टू द स्लॉट इन आइदर टू मेक द कपलिंग अ सर्कुलर डिस्क विद टू रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस ऑन आइदर साइड एंड एट राइट एंगल टू ईच अदर इज रिप्लेस्ड बिटवीन द टू फ्लेंजेस ड्यूरिंग मोशन द सेंट्रल डिस्क व्हाइल टर्निंग स्लाइडिंग इन द स्लॉट्स ऑफ द फ्लेंजेस। इसमें क्या करता है, स्लाइडिंग करता है, टर्निंग करता है, उसके द्वारा पावर ट्रांसमिशन को जनरेट करता है शाफ्ट के द्वारा, इसका हम बाकी काम में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका डायग्राम के द्वारा समझेंगे हम। ये जो डायग्राम बने हुए हैं, ये बने हुए हैं आपके ओल्डहेम कपलिंग के डायग्राम। ओल्डहेम कपलिंग के डायग्राम में आप देखोगे ये ड्राइविंग शाफ्ट है और ये ड्राइविंग शाफ्ट है, ये फ्लेंज लिंक वन और सपोर्टिंग फ्रेम लिंक टू, फ्लेंज लिंक थ्री, और ये वाला इंटरमीडिएट पीस जहाँ पर जुड़ा हुआ है उसको लिंक फोर का नाम देंगे। चार लिंक हैं, कौन कौन सी, हमारे पास लिंक वन फ्लेंज,
लिंक टू सपोर्टिंग फ्रेम, लिंक थ्री फ्लेंज, लिंक फोर इंटरमीडिएट पीस। इस टाइप से होता है हमारे पास, यहाँ से ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। इसको अब हमारे पास आप देख रहे हो दो रोटर बने हुए हैं, दो शाफ्ट को आपस में इसमें अटैच किया हुआ, जोड़ा हुआ है, जोड़ करके इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करके क्या होता है, इसमें लॉक करने के बाद क्या होता है, इसको रोटरी मोशन के द्वारा इसको घुमाया जाता है ड्राइविंग शाफ्ट के द्वारा। ड्राइविंग शाफ्ट के द्वारा ये घूमेगा, एक शाफ्ट घूमेगा दूसरा शाफ्ट भी घूमेगी। इस टाइप से इसको रोटेट करेंगे तो कंटिन्यू रोटेशन के बाद इसमें पावर ट्रांसमिशन होता है। इसका हम इस्तेमाल बाकी काम में करते हैं, इसको हम ओल्ड हेम कपलिंग बोलते हैं। इसको अगर हम इसको अगर डिसअसेंबल करके देखें तो डिसअसेंबल करके इस टाइप से देखेगा आपको, ये स्लॉट है, ये भी एक स्लॉट है, ये लिंक वन है और ये लिंक थ्री है और ये लिंक फोर है और ये स्लॉट वाले लिंक टू कहलाएगी। तो लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री, लिंक फोर आपको इस टाइप से अटैच करना, आपको ये अलग अलग दिए हुए हैं रोटर, इसको पूरे को मिला करके फिक्स करके इसको लॉक कर सकते हैं। इसको इस टाइप से भी समझ सकते हो, ये भी इसका डायग्राम इस टाइप से बना हुआ है। ये हमारे पास टी वन है, ये टी टू है और ये लिंक फोर है, मतलब आपको इस टाइप अटैच करके इसको अगर फिट कर देते हैं, फिट करने के बाद पीस के द्वारा जो फिट करते हैं तो लॉक हो जाता है। लॉक के द्वारा हम इसको कंटिन्यू रोटेट करेंगे, जब रोटरी मोशन करेंगे तो क्या होगा, ये पावर ट्रांसमिट करेगा। इसको हम ओल्ड हेम कपलिंग बोलते हैं। ओल्ड हेम कपलिंग का प्रैक्टिकल डायग्राम इस टाइप से भी समझ सकते हैं, ये भी एक डायग्राम है ओल्ड हेम कपलिंग का। इसमें आप देख रहे होंगे दो शाफ्ट में ड्राइविंग शाफ्ट, ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रमन शाफ्ट, दो शाफ्ट में ये क्या है रोटरी, दो रोटर इसमें आपस में अटैच किया हुआ इस टाइप से, अटैच करके इस की के द्वारा लॉक कर देते हैं और इसको जब रोटेट करते हैं तो कंटिन्यू रोटेशन करने के बाद क्या होगा, पावर को ट्रांसमिट करता है। इस टाइप से दिखता है, अगर आप देखोगे ओल्ड हेम कपलिंग तो इस टाइप से रोटरी ओल्ड हेम कपलिंग होता है, वो लाइन डायग्राम होता है। ये प्रैक्टिकल डायग्राम, ये भी एक प्रैक्टिकली डायग्राम है इसका। इसमें भी हमारे पास है एक ड्रमन शाफ्ट, एक ड्राइविंग शाफ्ट और इसमें हमारे पास इस टाइप से रोटर लगा करके इसको लॉक करके कंटिन्यू रोटेशन करते हैं। इस टाइप से ये होता है ओल्ड हेम कपलिंग, इस टाइप से इसका जो वर्क किया जाता है इसको पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस टाइप से होता है ओल्ड हेम कपलिंग। ओल्ड हेम कपलिंग को हम इसी टाइप से समझ सकते हैं।